अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एसन महमूद एंड वेलकम टू जायंस। न्यूज़पेपर ऐप डेवलपमेंट की ये हमारी आठवीं वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने लॉगिन की एपीआई फंक्शनैलिटी को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम रजिस्टर, लॉगआउट और गेट यूजर डाटा, इन तीन एपीआईज की फंक्शनैलिटी को कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी ज़्यादा जो ग्राउंड अप था उसको ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम क्विकली जो एपीएस की फंक्शनलिटी है उनको कंप्लीट करेंगे और पोस्टमैन में उनको टेस्ट करेंगे। वंस अगेन, वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। कोई सजेशन हो उसको मेंशन करें, उसकी पॉपुलैरिटी के बेस पे उसको जरूर कंसिडर किया जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं यहाँ पे एक कोड को ओपन कर लूंगा और साथ ही यहाँ पे पोस्टमैन को भी ओपन कर लूंगा। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे लॉगिन की एपीआई हमारी काम कर रही है, तो नेक्स्ट अब हम काम करेंगे रजिस्टर की एपीआई पे। स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे बैकएंड में आ जाऊंगा और ऑथ कंट्रोलर में आ जाऊंगा। यहां से मैं ऑलमोस्ट ये सारा डाटा कॉपी कर लूंगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट लॉजिक सेम ही होने वाला है और इसमें सिर्फ और सिर्फ कंफर्म और उसके अलावा ईमेल और लास्टली स्ट्रिंग नेम, दैट्स इट। ये हमारा रजिस्टर की जो वैलिडेट रिक्वेस्ट हो गया, उसके बाद हम इसको ईमेल को लेंगे और चेक करेंगे यूजर एग्जिस्ट करता है। अगर यूजर इस दफा एग्जिस्ट करता है तो तब हम बैड रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। बैड रिक्वेस्ट और उसका बेसिकली हम कह देंगे यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। और इसमें मैं बाकी देख लूंगा कि इसमें नॉट फाउंड का, क्योंकि स्टेटस कोड हमने ऐड कर दिया था, यहाँ पे मुझे स्टेटस कोड चेंज चाहिए जो कि ये स्टेटस कोड है। इसको मैं यहाँ पर स्टेटस कोड इन कर लूंगा, इंट स्टेटस 400। सॉरी, ये यहीं पे रहने दे, मुझे इसका मेनली कोड चेंज करना है। ओके, तो वो हमारा ये हो जाएगा, इसको कोड कह देंगे और जनरल हमारा ये हो जाएगा जो कि मैसेज से पहले मुझे चाहिए। ओके, मैसेज के बाद ही देख लें। ओके, यहाँ पे और ये कोड मैंने यूज कर लिया यहाँ पर, और अब इसमें मुझे कोड में चाहिए केस डुप्लीकेट। यहाँ आइटम एग्जिस्ट्स, यहाँ पे ये एरर आ गया। मैसेज में हम यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट यही सेंड कर देंगे और कोड में हम रिस्पॉन्स कोड इनम आइटम एग्जिस्ट ये सेंड कर देंगे, दैट्स इट। और इसे मैं सेव कर लूंगा यहाँ पर। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो पासवर्ड को हम लेंगे, उसका हैश क्रिएट करेंगे इस दफा, मेक मैच नहीं करना, हैश क्रिएट करना हैश। और इस दफा हम बेसिकली ये हमें चीज़ नहीं चाहिए, इसलिए ये भी चीज़ नहीं चाहिए, हम बाद में करेंगे क्योंकि हम यूजर को गेट करेंगे, क्रिएट जो होगा उससे। तो
यहाँ पे यूज़र अगर नहीं था तो यहाँ पे मैं दोबारा आ जाऊँगा, यूज़र इक्वल टू यूज़र क्रिएट, और यहाँ पे बेसिकली डिटेल दे देंगे, रिक्वेस्ट गेट नेम ईमेल पासवर्ड दिस एंड दैट, तीन ईमेल डिटेल्स हैं, तीनों को गेट कर लेंगे और ये पासवर्ड हैश। ओके, ये यूज़र क्रिएट हो गया, उस यूज़र का रिसोर्स बनाएंगे, एक ऑथ टोकन बनाएंगे, प्लेन टेक्स्ट लेंगे, यूज़र रिसोर्स रिटर्न कर देंगे और दैट्स इट। और इस दफ़ा जो स्टेटस कोड है उसको हम चेंज करेंगे, जो कि हमारा बेसिकली चेंज हो के नेक्स्ट में आ जाएगा। और इसके लिए अब मुझे चाहिए रिक्वेस्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और मेनली स्टेटस कोड मुझे 201 चाहिए क्योंकि मैंने क्रिएट किया यूजर को, तो इस वजह से इसे टेस्ट करते हैं। इसी को मैं डुप्लीकेट कर लूँगा, यहाँ पर इसको चेंज करेंगे रजिस्टर, और इसको भी मैं चेंज करूँगा लॉगिन फाइल कैपिटल कर दूँगा, रजिस्टर सेंड करूँगा अभी 404। ओके, मेरे ख्याल से मैंने इसको क्रिएट कर दिया था डाउट्स में, लास्ट वीडियो में हमने टेस्ट कर लेते हैं, हाँ क्रिएट कर दिया था, दैट्स गुड जी। और ये कह रहा है नेम फील्ड रिक्वायर्ड है, जो कि सही बात है, यहाँ पर नेम, और यहाँ पे मैं टेस्ट यूज़र का नेम भी ऐड यहीं पे कर लूँगा, टेस्ट यूज़र नेम एहसन महमूद, और यहाँ पे टेस्ट यूज़र नेम ये रहा, सेंड। लास्टली पासवर्ड कंफर्मेशन नहीं है, तो उसके लिए इसकी बेसिकली जो फील्ड होती है पासवर्ड कंफर्मेशन, और उसमें सेम आप ये चीज़ सेंड करेंगे तो ये पास हो जाएगा, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये हमारी जो यहाँ पे ये वैलिडेशन थी ये पास। ये कन्फर्म को करने का तरीका कार ये है कि जो फील्ड हो उसको अंडरस्कोर कंफर्मेशन उसकी फील्ड के साथ लगा दी जाए तो वो हो जाता है। ओके, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो मैं इसके एंड पे सिर्फ 1 ऐड कर दूंगा और ये हमें यूज़र क्रिएट करके सेंड कर देगा। और यहीं पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा काम चल रहा है, रजिस्टर की API हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अब हम काम करेंगे लॉग आउट की API। मैं यहाँ पे कंट्रोलर में आ जाऊंगा और यहाँ से देख लेंगे कि हम इसको, मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, इसको भी रिमूव कर रहा हूँ, और दैट्स इट। रिक्वेस्ट ये इस पे पहले ही यहाँ पे मिडलवेयर लगा हुआ है तो उसकी हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि यूज़र लॉग इन होगा तो यहाँ पे आएगा, वो हमारा पहले ही है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पे हम वापस आते हैं और इस लेट से रिक्वेस्ट को डुप्लीकेट करते हैं और इसको मैं कहता हूँ लॉग आउट और इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अभी अगर सेंड करने की कोशिश करूँगा ऐसे लॉग आउट करके तो ये एग्जिस्ट नहीं करती, पोस्ट का मेथड नहीं है डिलीट का तो वो नहीं चलेगा, डिलीट करके करता हूँ तो अब ये अनऑथेंटिकेटेड का 404 सही चीज़ रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है। इसको सेव कर दूंगा मैं और इसको मैं ये रिमूव कर दूंगा, इसको भी डिलीट कर दूंगा, इसको भी, और यहाँ पर ये अनऑथेंटिकेटेड का हमें मैसेज आ रहा है। मेनली फ्रंट एंड पे हम अनऑथेंटिकेटेड के लिए सिर्फ स्टेटस को ही चेक कर रहे होंगे, 401 आएगा मीन यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है और उसको लॉग आउट कर देंगे, दैट्स इट। यहाँ पे हमें बॉडी में कुछ भी नहीं चाहिए तो इसको मैं नन कर दूंगा, इस सबको डिलीट करके नन, और वापस आ जाऊंगा मैं यहाँ पर। अब मुझे ऑथराइजेशन चाहिए, इनहेरिट यहाँ से करना है और उसके लिए इसमें मुझे ऑथराइजेशन नहीं चाहिए, ऑथराइजेशन नो ऑथ, क्योंकि इनमें ऑथ नहीं होनी चाहिए, नो ऑथ। ओके, ये इनहेरिट कर रहा है
अब मुझे सिर्फ और सिर्फ जो कोड है उसको सेट करना है, और कोड आगे आया था लॉगिन वगैरह की रिक्वेस्ट में। आप चाहें तो दोबारा लॉगिन कर लें, अदरवाइज आप डेवलपरों वाला काम कर लें, डायरेक्ट जाके उठा लें कोड को। यहाँ पे आए पर्सनल एक्सेस टोकन्स, ये इसमें से शायद मेरे ख्याल से ये वो इनक्रिप्टेड टोकन है। ओके, तो सिंपल काम करते हैं, फिर वही दोबारा लॉगिन कर लेते हैं, सेंड, और इसको इस दफ़ा सेव कर लेते हैं। यहाँ पे सेव करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे डायरेक्ट करें, इसमें आ जाएं, ऑथराइजेशन में आएं, और यहाँ पे ये लगा हुआ है तो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में आ जाएं, और यहाँ पर ये चीज़ सेट कर दें, दैट्स इट, सेव। और अब वापस आ जाएं इधर, लॉगआउट की एपीआई को अब कॉल करें, एटलीस्ट सक्सेस आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अब इसका लॉजिक लिखते हैं, इसे डिलीट करें, और मेरे ख्याल से वो काम हो गया क्योंकि मैंने लॉजिक वहीं से कॉपी कर दिया था इस वजह से। लेकिन इसको, इस चीज़ को सिर्फ हम इम्प्रूव करेंगे, और बाकी हमें कुछ भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी हमारा काम चल रहा है। इवन कि हम इसको डायरेक्ट इसको यहाँ से पर करके यहीं पे लगा सकते हैं, लेकिन ये भी ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सेंड करूँगा, ऐप हेल्पर सेंड रिक्वेस्ट फेल्ड रिस्पॉन्स, और यहाँ पे मैं सेंड करूँगा सेंड सक्सेस रिस्पॉन्स। सक्सेस रिस्पॉन्स में रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट बेसिकली इस दफ़ा नल ही है, और जो मैसेज है बेसिक मैसेज, ठीक है, ओके, टू कोर, दैट्स इट। ये इसी के साथ हमारी ये चीज़ कंप्लीट होगी। इस दफ़ा अगर मैं इसको करने की कोशिश करूँगा, आनंद थर्टिकेटेड आएगा, दोबारा लॉगिन कर लेते हैं, यहाँ पे सेंड करूँगा रिक्वेस्ट को, ये लॉगिन हो गया, इस कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में यहाँ पर, और इसकी करंट वैल्यू को चेंज कर देंगे। और इस दफ़ा जब लॉगआउट सेंड करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आ रहा है, दैट्स इट। हमारी लॉगिन की, रजिस्टर की और लॉगआउट की एपीआई कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं गेट यूजर डाटा की एपीआई पे। मैं यहाँ पे कोड में वापस आ जाऊंगा, और अब हमारा काम यूजर कंट्रोलर में है, ये हमारे पास पहले ही है। हमें काफी ज्यादा चीज हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि हम इस चीज को कॉपी कर सकते हैं, ओके, ये रिक्वेस्ट के लिए मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, और उसके बाद रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, और इस चीज को कॉपी कर सकता हूँ, दैट्स इट। यहाँ ऊपर वाले को कर लेते हैं, मुझे री राइट कम करना पड़ेगा, और इसमें से सिर्फ और सिर्फ इस चीज को रिमूव कर दें क्योंकि ये चीज हमारे पास नहीं है। इसी के साथ हमारी ये एपीआई कंप्लीट हो गई है। जब हम ग्राउंड अप काम कर लें तो नेक्स्ट काम करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसको, ये हमारे पास जो एपीआई है इसको मैं चेंज करूंगा, और एपीआई सिर्फ क्रिएट करनी पड़ेगी, गेट यूज़र डाटा भी हम कह सकते हैं, या फिर माई अकाउंट कह सकते हैं, ओके, गेट यूज़र डाटा। ये यहाँ पे सबसे पहले इसको यहीं पर रहने देते हैं। यहाँ पे एक राउट बनेगा जो कि कंट्रोलर टाइप का होगा, जिसमें यूज़र कंट्रोलर की हम बात कर रहे हैं, और उसका ये ग्रुप होगा जो कि इन चीज़ों को हैंडल कर रहा होगा, और इस चीज़ को हम यहाँ पे कर रहे होंगे, दैट्स इट। इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा, और इसी का मैं साथ में अपडेट यूजर डाटा भी कॉल कर लूँगा, इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा, और इसे सेव करके हम यहाँ पे आके वापस इसे पी को जल्दी से टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक और फोल्डर बन जाएगा, यूजर एपीआईस यूजर डाटा, और यहाँ पर एक एपीआई बनेगी जिसको कि मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर लूँगा, नहीं इसको डुप्लीकेट नहीं करना, इसको कर लूँ, और
इतना ज़्यादा वैसे डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई मसला नहीं, थोड़ा सा टाइम बचेगा। इसको इसमें शिफ्ट करें, इसका नाम चेंज करें, गेट यूज़र डाटा, ये गेट की रिक्वेस्ट है और ये गेट यूज़र डाटा पे जाएगी, और ये अनऑथेंटिकेटेड आ रहा है क्योंकि मैंने लॉग आउट कर दिया था, तो लॉग इन दोबारा करना पड़ेगा। ये आ गया, इसको कॉपी करें, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में यहाँ पर आके सेट करें और अब गेट करें, और अब की बार आपके पास सही डाटा आ रहा है। और इसमें ये क्योंकि नेम वगैरह मैंने सेट नहीं थे किए, इस वजह से नहीं हुए, और ये क्रिएटिव ड्राइवर वगैरह क्यों नहीं हुए। जस्ट वन मिनट, मैं इसको चेक कर लूँ। क्रिएटेड एट तो मुझे समझ लग गई है, वो बेसिकली मैंने रिसोर्स में गलती की है। ये क्रिएटेड एट ऐसे नहीं होता, ये अंडरस्कोर, ये बेसिकली पीएचपी और जावास्क्रिप्ट और पीएचपी वर्ल्ड में जब आप इंटरचेंज करते हैं तो ये गलती हो जाती है, तो इस वजह से वहाँ पे अंडरस्कोर है। ये हो गया, नेम को सिर्फ मैंने कन्फर्म करना है कि नेम मैंने शायद इसका पास नहीं था किया जब मैं इसको बना रहा था, और मैंने वाकई शायद पास नहीं था किया, सॉरी, इसको नहीं करना वापस यहाँ पे रहना, और वो चीज़ यहाँ से करी, यहाँ पे आ गए यूजर्स में और नेम कुछ नहीं है। ओके, ये बेसिकली मैंने जैसे भी बनाया था, इसमें नेम नहीं था। यहाँ पे मैं कुछ एंटर कर देता हूँ सिर्फ चेक करने के लिए, वापस आते हैं, सेंड करते हैं और नेम आ गया, दैट्स इट। ओके, और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम क्विकली एक और एपीआई लिख लेते हैं, अपडेट यूजर डाटा की, क्योंकि उसका काम भी छोटा सा ही है। उसमें मेनली हम सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए नेम अपडेट कर रहे होंगे, दैट्स इट, और उसके बाद फिर हम इस वीडियो को फाइनलाइज करेंगे। मैं यहाँ वापस कोड में आ जाऊँगा और यूज़र रिसोर्स को बंद कर दूंगा, कंट्रोलर में वापस आ जाऊँगा, ऑथ कंट्रोलर में वापस आऊँगा यहाँ से, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट को वैलिडेट करना है, तो मैं इसको ही कॉपी कर लूँगा इसे, और अभी के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ नाम चाहिए, इस रिक्वेस्ट को मैं यहाँ पे कर लूँगा, और उसके बाद मुझे यूज़र चाहिए, यूज़र अगर एग्जिस्ट करता है तो, और उसके लिए मैं इस चीज़ को कॉपी कर लूँगा। यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिक्वेस्ट में यूज़र होना ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं हो सकता ये, और इसको अपडेट करना है मैंने, तो मैं यहाँ पर अपडेट की कॉल करूँगा, और अपडेट में मैं नेम को अपडेट कर दूँगा, रिक्वेस्ट, ओके, इसको नलेबल रहने देते हैं ताकि इन केस अगर यूजर ने नहीं करना तो हैज नेम, अगर हैज लगता है तो आप उसको अपडेट कर दें, अदरवाइज यूजर का जो नेम है उसी को यूज कर दें, दैट्स इट। और बेसिकली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज होगी, इफ रिक्वेस्ट हैज contains some data, test contains some data, this और अगर ये रखता है कुछ तो ये काम करने की जरूरत है, अदरवाइज, और यहाँ पे बेसिकली इसको भी यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे ये सारा लिखना ना पड़े, और इस दफा हम आईडी पे जाएंगे ना कि यहाँ पे, आईडी इक्वल टू आईडी
क्योंकि आईडी चेंज नहीं कर सकता, यूजर बाकी चीज़ों को चेंज कर सकता, तो उस पर दें। और रिस्पॉन्स के लिए मैं इसको यूज़ कर लूँगा, ये हो गया। एल्स दैट्स इट। और ट्राई कैच, सॉरी ट्राई कैच ट्राई अदरवाइज सेंड बैक and failed response, just message or error or वो हो। ये इसके साथ ही ये कंप्लीट हो गया। अपडेट को गेट की अभी चल रही है एपीए। वापस आते हैं यहाँ पे ही, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और पहले मुझे एपीए क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आके अपडेट की एपीए इसको पोस्ट करना है या पुट, क्योंकि क्रिएट नहीं कर रहे हम, अपडेट कर रहे हैं तो पुट उसके लिए यूज़ करेंगे। इसको डुप्लीकेट कर लूँगा, यहाँ पर ये हो जाएगा अपडेट, ये हो जाएगी पुट, ये हो जाएगी। और हम सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ कर रहे हैं जो बेसिकली, खैर अभी के लिए अपडेट और हेडर्स, ये बॉडी, यहाँ पे फॉर्म डाटा। और अगर कुछ सेंड करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज वो डाटा रिटर्न कर देगा। और अगर हम सेंड करेंगे डाटा को एहसन वन, तो वो उसको अपडेट करके रिटर्न करना चाहिए था उसको। ओके, ये चीज़ सही नहीं हुई, तो इसको देखते हैं कहाँ पे मसला हुआ है। पुट की रिक्वेस्ट है, यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे मसला हुआ हैज दिस हैज रिटर्न बूल इफ ये, और यहाँ पे मसला क्या हुआ है। ओके, इसको चले ऐसे करते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये डाटा नहीं जा रहा, डाटा जाना तो चाहिए। मैंने नेम रखा है कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, ये चीज तो ठीक है। ओके, ये समझ नहीं आ रही इसको, क्योंकि ये मैंने इसको किया तो ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं। ये मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, ओके जस्ट वन मिनट, रिटर्न, ओके सेंड, ओके यहाँ पे ही हूँ। वैलिडेट मैं कर रहा हूँ नेम को,
और यहाँ पे मैं नेम ही लिख लूँ, ये चल के नहीं रही। फॉर्म सेंड दिस नेम, आउटपुट की रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट यहाँ पे भी मैंने पुट की ही बनाई है। ये रिक्वेस्ट आ कहाँ से रही है? HTTP रिक्वेस्ट, यहाँ पे भी HTTP रिक्वेस्ट है। तो ये चीज़ को हम पहले ही वैलिडेट कर चुके हैं सारा कुछ। ओके, फॉर्म डाटा में देखते हैं, नेम समथिंग। ओके, फॉर्म डाटा एक्सेप्ट करेगा, ये वाला नहीं कर, ठीक है ठीक है। ओके, अभी इसको ये एक्सेप्ट कर रहा और दूसरे को नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से जो पोस्ट है उसमें फॉर्म डाटा एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जो पुट की रिक्वेस्ट है उसमें यही करता है। इसको मैं थोड़ा सा स्टडी करके तो और वीडियो ऐड कर दूंगा। अभी के लिए खैर बैकएंड लॉजिक ठीक है, यहाँ से सिर्फ जो रिक्वेस्ट डाटा सेंड हो रहा था उसमें मसला था, तो इसको डिलीट कर देते हैं। और इसमें आके इसको करते हैं सुन महमूद, और इसको नलेबल वापस कर देते हैं, नलेबल सेंड करता हूँ तो ये अपडेटेड डाटा दे देता है। और इसको भी मैं इधर ही ले आता हूँ ताकि अगर किया तो ही हो, वन करके ओके वन हो गया। और अगर इसको सेंड नहीं किया और लेट्स से मैंने 12 कर दिया, इसको सेंड करता हूँ तो वो वही रहता है, और अगर सेंड करूँगा तो ये दोबारा अपडेट हो जाएगा। ओके, ये अपडेट हो गया और इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी कंक्लूड होती है। हम इसको सिर्फ कमिट कर लेते हैं कोड को, जीए जीसी रजिस्टर लॉग आउट गेट यूज़र डाटा एंड अपडेट यूज़र डाटा API कंप्लीटेड इन बैकएंड। नेक्स्ट, अब हम बेसिकली इसको फ्रंट एंड में देखने होंगे, और ये जो हमने APIs अभी बनाई हैं इनको हम फ्रंट एंड में इम्प्लीमेंट करेंगे और वहाँ पे हम इसको फाइनलाइज करेंगे। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। आज की वीडियो में हमने बेसिकली रजिस्टर लॉगआउट गेट यूज़र और अपडेट यूज़र इस APN को, इन चार APIs को कंप्लीट किया है और उनको पोस्टमैन में टेस्ट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अब इन APIs को फ्रंट एंड पे इम्प्लीमेंट करेंगे और फ्रंट एंड के फ्लो को इनके साथ कंप्लीट करेंगे। इस कोर्स को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और कॉन्टैक्ट लिस्ट में ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। कोई भी सजेशन आप कोर्स के रिलेटेड हो या चैनल के रिलेटेड हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा और उसको इंशाल्लाह उनको उसको कंसिडर किया जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.